ये सस्पेंस तो जरा इधर उधर करें, ये है क्या नंबर की गेम? मतलब 8 और 4 रखा हुआ है क्या? मतलब थोड़ा सा तो कुछ हमें भी पता चले ना। ये नंबर से वो तो बॉलर्स के नंबर होते, कौन से बंदे, कौन से बॉलर का नंबर है उसको, अगर उस एंड को ये हम मशवरा दे सकते हैं। डिसीजन फिर भी रिजवान का ही होता है, यू नो। बाहर से हम सारे मिलके मशवरा करते हैं कि जी आप मेरा ख्याल इमरान ताहिर को ले आए, इमरान ताहिर का नंबर फॉर एग्जांपल 8 है तो हम 8 लगा देते हैं। तो फिर वो रिजवान सिचुएशन को देखता है, कंडीशन को देखता है, क्योंकि मैचअप का मतलब ही पता है कि अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आया तो उसके सामने ऑफ स्पिनर के ज्यादा कामयाबी के चांसेस है, तो हम वो ऑफ स्पिनर का नंबर लगा देंगे, टिम डेविड का नंबर लगा देंगे। जैसे आपको पता होगा कि पिछले मैच में जब आखिरी मैच हम पूल मैच खेले थे तो टिम डेविड ने एक ओवर करने के लिए आगे थे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खेल रहे थे उस वक्त। तो आई थिंक वो मैचअप जो होता है ना नंबर्स, वो इसलिए हम करते हैं कि डेटा निकालते हैं कि जी ये लेग स्पिनर के खिलाफ इस बंदे की एवरेज कितनी थी, इसका स्ट्राइक रेट कितना था। तो ये जब सारी चीजें आप सामने रख के फैसला करते हैं तो आपके जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो आदमी वो वीक होता है उस चीज के ऊपर। तो आई थिंक ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आई थिंक वी शुड यूज इट। और मैं खुद भी बड़ा इस पे मुझे लगा है कि बड़ा अच्छा है ये, हमारी कोचिंग अपने नॉलेज को भी इजाफा करता है इसमें। तो आई थिंक इसका ओवरऑल फिर भी इसका डिसीजन तो रिजवान ही लेता है ग्राउंड के अंदर।